मैं ये डाउट्स प्लस कर रहा हूँ सर्कल का, कुछ कुछ डाउट जो आ दिया है बहुत जन, तेरह ढेर सारा क्वेश्चन उसका मैं डाउट कर रहा हूँ जो सेम जैसा है वो मैंने किया हुआ, ज़्यादा मैं बताने का कोशिश करूँगा, देखो समझ में आता है कि नहीं। जैसे तुम लोग को इतना मैं तुम लोग का डाउट्स देख के समझ में आ गया कि तुम लोग को चैप्टर का नॉलेज तो हो चुका है, ठीक है, अब तुम लोग सिर्फ छोटा छोटा बात नहीं पता इसलिए तुम ये सम्स नहीं कर पाए, तो चलो मैं वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 22-23 में क्या है, एक बार क्या है ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल है, एक बार ट्राइंगल के बाहर सर्कल, मतलब सर्कमस्क्राइब मैंने बाहर है, इसका कॉमन सर्कल बताइए, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा, समझ रहे हो बात ना। तो ऐसे केस में तुम अगर सर्कमस्क्राइबिंग वाला होगा ना, इसका रेडियस कैसे निकालोगे, इस सर्कल का रेडियस निकलेगा a/√2, मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ इसका सर, जब वो बाहर से रहा तो a/√2, ए मतलब द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल जनरली होता है, तो साइड ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू यहाँ लिखोगे, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ 18 या 15, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या वैल्यू था 18, अगर मान लो तो 18/√2 इसको सॉल्व करोगे, रैशनलाइज करके सॉल्व करोगे और ऑटोमेटिकली इसका रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल तुम आराम से निकाल सकोगे, या तो इसमें जनरली एरिया ऑफ सर्कल निकालने बोलता है या फिर बोलता है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब लोग शेडेड पोर्शन सर कैसे निकाले, कॉमन सेंस का बात है, तुम क्या करो सर्कल के एरिया निकाल सकोगे ना, रेडियस निकल गया तो सर्कल के एरिया तो निकल ही जाएगा, और ये ट्राइंगल के एरिया निकाल लो, ट्राइंगल के एरिया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जनरली होता है √3/4 a² करके, अब दोनों को माइनस कर लो शेयर रीजन निकल जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें तो आर नहीं दिया हुआ, तो आर तो मैं निकालना समझा दिया तुम लोग को, याद रखना सिर्फ दिया हुआ रहेगा साइड ऑफ द ट्राइंगल, मान लो ये साइड ऑफ ट्राइंगल 15 है, मान लो मेरे को याद नहीं क्या वैल्यू था उसका 15, तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया निकाल सकता हूँ आराम से √3/4 a² मैंने 15 का स्क्वायर करके, और मैं 15/√2 करके मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ। अब जब ये पता चल गया एरिया निकाल सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा अगर काम पड़ा तो, नहीं तो मेरे को जितना याद है ये सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल निकालने बोला था, तो जस्ट a/√2 करके आर निकाल लो, फिर पाई आर स्क्वायर करो, आंसर खत्म हो गया। अगर ये भीतर में सर्कल बना यानी कि इन सर्कल बना, तो इसका फॉर्मूला में वही फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 लग जाएगा और एक 2 a/√2 या 2√2 लग जाता है, ठीक है। तो ए मैंने समझ गया ना, वही साइड ऑफ द ट्राइंगल जहाँ पर कुछ 15 या 18 कुछ लिखा हुआ था, 15/√2 करोगे सॉल्व करोगे अपना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम ये तो रेडियस निकला, उसके बाद तुम एरिया या जो निकालने बोले निकाल सकते हो, मेन झंझट ये रेडियस निकालने का था, मैं बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है ऐसा कुछ 24 कोई क्वेश्चन दिया था, ये शायद मेरे को दे देता है या कोई दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन दिया था, मैं दो सबका क्वेश्चन लिख कर लिखा हूँ यहाँ पे। 24 क्वेश्चन में क्या था, मान लो एक सर्कल रहा होता, मान लो ये है नहीं, ये इस तरह का है जिसमें लग रहा है कि अगर ये चार टुकड़ा होता ना सर्कल का, तो एक 1/4 टुकड़ा गायब है, या जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, राइट, ये गायब है। तुम लोग क्या करो पूरा सर्कल के लिए निकाल लो पाई आर स्क्वायर करके, जिसमें आर होगा ये 60 दिया हुआ होगी, ये तो निकाल लोगे, उस पूरे में से ये क्वाड्रेंट हटा दो, क्वाड्रेंट पता है ना 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर तो वही रहा फिर से, तो ये पावर निकाल के ये टोटल वैल्यू है, इसमें से माइनस कर दो आ गया ये रिमेनिंग, लेकिन या फिर जो अगर बुद्धि है तो तुम समझो ये 3/4 सर्कल है, ये जो पोर्शन है 3/4, 1/4 गायब हो गया तो 3/4 सर्कल, तो एक बार में निकाल लो ना 3/4 पाई आर स्क्वायर, एक बार में आंसर आ जाएगा, या तो ये करो टोटल टोटल से माइनस 1/4 करो, या फिर एक बार में 3/4 पाई आर स्क्वायर करो, आर तो पता ही है 60 हो गया आंसर का। 24 ये 35 में ना जो आगे पीछे लगा मैं कर दिया बस खाली, चलो 24 में 25 बताता हूँ, 25 भी मैं करके रखा हूँ यहाँ पे, 25-26 सेम जैसा है, 25 में एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे और 26 में एक रेक्टेंगल बना, मैं 26 का कर दिया हूँ यहाँ पे क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, 25 में सेम सेम वैल्यू होगा यहाँ पे। करना क्या है, तो इसमें बोला शेडेड रीजन निकालने, तो शेडेड रीजन निकालने का कॉमन पहले बात करते हैं, कॉमन सेंस का बात सिंपल है, पूरा सर्कल के लिए निकाल लेते हैं, उसमें से रेक्टेंगल या जो भी रहे यहाँ पे स्क्वायर रहे उसका एरिया को माइनस कर देंगे, आ जाएगा शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सर्कल पूरा सर्कल और माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी दिया रहेगा वो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात। अब झंझट ये है कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकेंगे आप या फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकेंगे आप, चल देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ ब्रेथ, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ भाई तो दिए ही वो 8/6 से 48, तो 48 निकाल लेंगे। अगर ये स्क्वायर होता तो क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है 8 रहता है, यहाँ भी 8 रहता है, 8 × 8 = 64 भी रहते हैं, साइड इंटू साइड होता है ना। अब बात है एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल के लिए तो चाहिए हमको रेडियस, यहाँ तो दिया ही हुआ नहीं रेडियस, तो कैसे करेंगे वो देखते, यही सीखना है इस सम में। देखो अब हम लोग ना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, यहाँ पे इस जगह में ये 8 है या 6 है, तो ये निकल जाएगा उससे पाइथागोरस ने, ये एच हो गया, एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस, इसका एच निकालना हम लोग को, तो ये मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से निकल रहा है पूरा निकल रहा है 10, पूरा निकला 10, ध्यान रखना पूरा निकला 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 आएगा, यानी पता चल गया इसका रेडियस हो गया 5। अब अगर रेडी यही होता है इसका, ये जो है ना ये सेंटर से जो पास करता रहेंगे वो हमेशा डायमीटर ही होता है, ठीक है ये बात ध्यान रखना। तो अगर ये आ गया है
सेंटर से ये रेडियस हो गया 5। अब रेडियस पता चल गया तो पाई इंटू 5 इंटू 5 मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा सर्कल का एरिया निकल जाएगा और एरिया और रेक्टेंगल स्क्वायर तो है ही, माइनस करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। 25 में स्क्वायर था, 26 में ऐसा था, तो तुम दोनों का समझ में आ गया। तो यहाँ से मैं बता दिया 22 23 24 25 26 बता दिया, अभी कोई बोला था 32 35 40, ये ओवरऑल में देखो। पहले 32 बताता हूँ, 32 में क्या है, 32 में एक ट्रपीजियम है और ट्रपीजियम में से एक क्वाड्रेंट हटाना है, बस सिंपल सा बात है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रपीजियम निकाल लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। क्वाड्रेंट का एरिया पता ही होगा, हाफ 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है हाफ इंटू, याद होगा तुम लोग को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, याद होगा इसका एरिया निकल गया। और ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करने से तुम्हारा ये जो शेयर पोर्शन निकल जाएगा। बस झंझट ये क्या है कि सर आप जो बोले ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, देखिए इसमें 1/4 तो 1/4 ठीक है, पाई में 20 पे, आर क्या होगा सर, आर ही तो आर, यही तो रहा सर्कल का 4.2, यही तो, ये भी होगा 4.2, ये भी तो होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये सर्कल का पार्ट है। तो ध्यान देखो, अगर उसको सर्कल बनाओ, इसे क्वाड्रेंट माने क्या, सर्कल का ही एक 1/4 टुकड़ा है, यही तो रेडियस हो गया है ना, यही रेडियस, यही तो रेडियस हो गया, तो 4.2 ये हो गया। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे आराम से, रेडियस हो गया 4.2 करके। एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला था हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या दोनों साइड दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, ये 4.2, ये वाला चीज़ यही वाला होगा 4.2, ये 2 यानी कि 6.2 हो गया, ये 4.2 सम ऑफ पैरेलल साइड हो ही गया, हाइट हो ही गया 4.2, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट भी हो गया ट्रेपेज़ियम का एरिया। ट्रेपेज़ियम मैंने समझिए पूरा एरिया, पूरा पूरा ये सब उसमें से एक क्वाड्रेंट माइनस कर दिया, हम लोग का एरिया शेड मिल जाएगा, ठीक है। ये वो 32 नंबर आप करते बाद 35 का, ये थोड़ा अच्छा सम्स है, 35 और 40, बस इससे सम खत्म। 35 में क्या है, ध्यान देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को, तो उसके बाद अगर यहाँ तक ए पी से बात करें, ये ए पी मतलब पूरा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ए पी से बात कर रहा हूँ, ए पी सी बी ऐसा बात करूँ, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है मेरे को। अगर मैं ये सिर्फ ए सी क्यू देखूँ तो एक सेमी सर्कल दिख रहा है, तब ये पूरा क्वाड्रेंट नहीं है, ध्यान रखना क्वाड्रेंट यहाँ तक ही है, बी सी पी ए यही तक क्वाड्रेंट है, उसके ऊपर है वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो अगर यहाँ से देखो ए सी तो सेमी सर्कल है, ठीक है। हमको निकालना वो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये झंझट है, तेरे को कुछ थोड़ा हार्ड है, ये बच्चे लोग एक बार में समझ नहीं, तो करना कैसे होगा, सबसे पहले एक काम करना, ये हेल्प से ये निकाल ले, पहले एक साइड से निकाल लेगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस से एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हम लोग निकाल लिया, 250 250 कितना होगा, 2 400 500 कुछ आएगा, 532 कुछ तो आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 256 प्लस 256 12 11 512, ओके 512 है ज़रा, तो 512 का रूट करना होगा हम लोग को, यानी कि 8√8, यानी कि हो गया ये 8√8 आ गया इसका, इसका वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। अब इसका हमको ये जो मिला 8√8, ये डायमीटर मिला राइट, तो डायमीटर नहीं, इसको अगर 16√2 लिख सकते हो तुम इसको चाहो तो, 16√2 होगा इसका वैल्यू, 512 का तुम स्क्वायर रूट करके देखना, 16√2 आएगा, 256√2, हाँ राइट, तो 16√2 पूरा आया, तो इसका हाफ क्या आएगा, हाफ आएगा 8√2 यानी कि रेडियस, ये काम पड़ेगा तुमको, इसलिए मैं कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, क्वाड्रेंट में यहाँ तक, यहाँ तक समझ लो, ये यहाँ तक मैं एरिया निकाल सकूँ, निकाल सकोगे कैसे होगा, 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर मतलब कितना था यहाँ पे, आर था ये नहीं, ये था ये क्वाड्रेंट है, तो ये आर हो गया ना 14, 14 का स्क्वायर ये निकाल ले, तो मेरा ये पोर्शन निकल गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं ना तीन चीज़ निकालना होगा इसमें, एक बार क्वाड्रेंट एरिया निकालना है, एक बार ट्रायंगल एरिया निकालना है, एक बार सेमी सर्कल एरिया निकालना है। मैं अब ट्रायंगल के एरिया निकाल लूँ, ट्रायंगल के एरिया कैसे होगा, हाफ इंटू बेस वाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 14, 2 7 14 14 7 98। तो अब देख, अगर क्वाड्रेंट में से अगर मैं ट्रायंगल हटा दूँ, ट्रायंगल हटा दूँ, सिर्फ ये पोर्शन मिला ना मेरे को, है कि नहीं, ये पोर्शन मिल जाएगा ना, तो अगर पूरा क्वाड्रेंट ये था, उसमें से मैं अगर ये हटा दूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन मिल गया। अब क्या करूंगा, ये मिल गया, मान ले ये मिला 30, मान ले फिलहाल के लिए मिला ये 30, मान ले फिलहाल के लिए, कैसे निकाले, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल हटा दिए तो ये मिल जाएगा, मान ले मिला काट कूट के लिए 30 मिला। अब ये मिल गया 30, अब मैं क्या करूँगा, इस सेमी सर्कल के एरिया निकालूंगा, कैसे, इसका रेडियस ये रहा, ये रहा रेडियस 8√2, तो हाफ पाई स्क्वायर करके मैं
आर का वैल्यू 822 लगा के मैं पूरा हाफ साइकिल का एरिया निकाल लूँगा। तो एरिया इसका निकल के उसमें से मैं ये जो पोर्शन मैंने निकला था 30 है कुछ, वो मैं माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा ना सिर्फ ये पोर्शन। समझ में आ गया बात? मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे को तीन चीज़ निकालना है इसमें से। एक बार एक ट्राइंगल के लिए निकाल लें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, एक बार क्वाड्रेंट निकाल लें, क्वाड्रेंट मैंने यहाँ तक मैंने 1/4 पाई आर ये हो गया इस बार आर स्क्वायर, ठीक है। और एक बार सेमी सर्कल के लिए निकाल लें, इसमें आर हो जाएगा ये जो मैं पहले निकाल के रखा था ना 14 14 लेके जो पाइथागोरस थ्योरम करके ये निकाला था 16√2, तो इसका हाफ होगा 8√2, उसका रेडियस इसको लेके तुम सेमी सर्कल के लिए निकाल लें। अब क्या करना है, बहुत जन बहुत वैसे करता है पर मैं जो बता रहा हूँ फिलहाल देख जो मैं बता दिया हूँ, मैं तो पहले दूसरे को दूसरे वैसे से बताता था, फिलहाल जो मथा में आया वो बता दे रहा हूँ। मैं क्वाड्रेंट एरिया निकाल लिया और ट्रायंगल एरिया निकाल लिया, दोनों को माइनस करने से ये पोर्शन निकल जाएगा सिर्फ ये, यानी ए सी पी का रीजन जो अजीब सा है ना ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये गोल गोल कचरा हो गया ये वाला, पर समझ लीजिए ये वाला रीजन। अब ये निकल गया, अब अगर मैं पूरा सेमी सर्कल के एरिया निकाल लूँ ये वाला सेमी सर्कल के एरिया, उसमें से ये रीजन में माइनस कर दूँ, बच गया ना सिर्फ ये तो निकालना था, दैट्स इट। 40 40 नंबर में क्या था, 40 नंबर में याद रखना 39 40 41 ऐसी क्वेश्चन है। इसमें एक बात याद रखना, सर्कमफ्रेंस जो होता है पूरे सर्कल का इंटू जितना रेवोल्यूशन टानेगा उसी से डिस्टेंस कितना कवर किया निकल जाता है, सर्कमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था ना, इजी क्वेश्चन था, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, सर्कमफ्रेंस ध्यान से 42/7 यानी कि 30/7 हो रहा है एक्चुअली, ठीक है देख 7/20 है 2/30, तो ये एक्चुअली 30/7 है और नंबर ऑफ 7 है, तो ये कट गया तो बचा डिस्टेंस 30 मीटर में था, याद रखना मीटर में, तो डिस्टेंस पता चल गया 30 मीटर। हम लोग को स्पीड का कुछ लेना करना था, तो स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम, उसमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था, टाइम था 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस 30 लिखा हूँ मैं 30 और टाइम क्या है 3 सेकेंड, तो 3 और 30 काटा कूटी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। आ गया अब ये हो गया स्पीड मीटर पर सेकेंड में आया, पर हम लोग को वहाँ पर क्वेश्चन बोला था किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये बड़ा बात नहीं है, इंटू 18/5 कर दे जो आया 10 इंटू 18/5 काटा कूटी करें 30 किलोमीटर पर आवर, इसे मेरे को जो जो बताना था मैं सब बता चुका है लगभग सारे, और इसमें से कुछ 11 12 13 था बाबू लोग, ये बहुत ही आसान सम्स था, मैं इसलिए नहीं बताया, इसमें था वो जिसको एक तो तार होता है उसको उसको सीधा करके फिर मोड़ना होता है, ये बहुत आसान सम्स था, मैं नहीं बताने की कोशिश, ये बेवकूफ़ी होगा, मैं उस दिन ही बहुत समझाया था इसलिए मैं यहाँ से नहीं समझाया, मैं 22 से समझाया क्योंकि 22 से मैं नहीं बताया था, मैं 15 तक कराया था हमको अच्छे से याद था इसलिए मैं 22 22 यहाँ से। अच्छा किसी को फीस देना हो, मैं संडे आ रहा हूँ कलेक्ट करने के लिए, प्लीज़ मेरे को भूलना मत, इन्फॉर्म कर देना किसी भी हाल में, आज ही कर देना या फिर जब करना हो कर देना इन्फॉर्म, कॉल कर देना या मेल कर देना, मैं आके कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।